हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा एंड आप देख रहे हो द ग्लैम हैक्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने DIYs कुर्तीज के हॉल। ये जो कुर्तीज है ना, इनको देख के कोई भी नहीं कहता कि ये DIYs कुर्ती है। इनफैक्ट जो कुर्ती मैंने पहनी है ना, आप देख सकते हो, आई थिंक आपको ये अच्छी लग रही होगी। तो ये कुर्ती भी DIY है। वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और वीडियो को पूरी देखना। पहले से लाइक कर दो, खूब सारा कमेंट करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन को भी हिट कर दो, जिससे मैं और आप मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट DIY जो आप देख रहे हो ना, ये है नेट की फैब्रिक का कुर्ता। तो ये नेट की फैब्रिक का, अगर आप चाहो तो इसको ट्रांसपेरेंट रख के अंदर स्पैगेटी वगैरह पहन सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर सिल्क का लाइनिंग लगाया हुआ है और इसके ऊपर पहना है मैंने एंकल लेंथ का प्लाजो, और जो कि सिल्क फैब्रिक का ही है। सेम वही फैब्रिक है जो इसके अंदर लगाया हुआ है, और स्लीव जो है वो नेट की है। और इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया है, सिंपल सा जॉर्जेट का दुपट्टा। अगर आप इसको पार्टी में पहनना चाहते हो ना, तो इसके साथ सेम इसी तरीके के नेट के दुपट्टे को ले सकते हो, जिससे कि ये बहुत हैवी लुक भी आएगा। इस DIY को आप ट्राई ज़रूर करना, मुझे तो ये बहुत अच्छा। ये वाला जो कुर्ता है ना, ये तो सुपर ऑसम है क्योंकि ये बना है एक साड़ी का। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि साड़ी में ज़रा भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिल वाला कुर्ता है। तो इसमें लेयर्स लेयर्स में फ्रिल्स को कट करके इस तरीके से मैंने जॉइंट किया है, एंड ऊपर का पार्ट जो है ना वो ब्लाउज ही था, जो कि सिला हुआ ब्लाउज था, उसके नीचे मैंने फ्रिल लगा दिया। तो आपके पास भी कोई सिला हुआ ब्लाउज हो और ऐसी कोई साड़ी हो ना, तो आप उसके साथ ऐसा कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही सही है। ब्लाउज तो ऑलरेडी फिटिंग का होता है, तो उसके नीचे आप फ्रिल लगा दो बस, और ये अंदर आप प्लाजो लेगिंग जो भी चाहो वो पहन लो। तो इसको तो कोई भी बना सकता है, बहुत इजी है, बट फ्रिल्स को आपको केयरफुली कट करना है। थर्ड DIY जो है, ये ग्रे कलर की कुर्ती, ये भी सुपर ऑसम कुर्ती है, बट ये एक साड़ी का पार्ट है जिसका कि हाफ साड़ी जो है ना ऐसा था, और हाफ साड़ी अलग डिज़ाइन का था। तो थोड़ा कम फ्रिल में मैंने इसको अरेंज किया, तो ये आपका वन पीस टाइप से या गाउन टाइप से बन गया। और ऊपर वाला जो पार्ट है ना, प्लेन नेट था, तो मैंने उसके ऊपर छोटे 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 से स्टोन लगा दिए। एंड गाइस, जो मेरी आवाज़ अभी है ना, बहुत भारी भारी है, एक्चुअली मुझे फीवर था, तो सॉरी अगर आपको ये आवाज़ थोड़ी इरिटेट कर रही हो तो। और बट ये वाली DIYs जो है ना, आप इनको ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे। ये वाली जो कुर्ती है ना, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये भी एक साड़ी से बनी हुई है। तो साड़ी में जब हैवी बॉर्डर होते हैं ना, तो कोई उसको पहनना नहीं चाहता है। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी, तो हैवी बॉर्डर की वजह से मैंने इस साड़ी का ये हाल बना दिया। एक्चुअली ज़्यादा अच्छा बन गया ये, तो उसी का बनाया मैंने कुर्ता और उसी का बनाया मैंने प्लाजो। तो प्लाजो आप चाहो तो अलग फैब्रिक का भी बना सकते हो, बॉर्डर तो बहुत सारा बचता है उसमें, और चाहो तो दुपट्टा भी बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास इसका बॉर्डर अभी भी बचा हुआ है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर इनर जॉइंट किया है, और बीच वाला पार्ट जो है वो सारा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो लाइनिंग भी बहुत कम लगानी पड़ी मुझे इसमें, और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। सिर्फ सिंपल सी फ्रिल है, वी नेक है, और इसके साथ चाहो तो आप ऑरेंज, पिंक कोई भी दुपट्टा ले सकते हो। तो आप भी ऐसे ही अपने बॉर्डर के साथ कोई भी ड्रेस को मैच करो और बना के देखो ये ड्रेस। तो ये जो कुर्ती है ना, ये तो रॉयल लुक देती है बिल्कुल, क्योंकि ये बनी है वेलवेट के फैब्रिक से। ये जो वेलवेट का फैब्रिक है, कलर इतना क्यूट है, आप देख सकते हो, तो इसकी जगह पे आप कोई भी कलर ले सकते हो। और ये जो पैच मैंने लगाया है ना इसके ऊपर, ये पैच मिलते हैं मार्केट में, आप चाहो तो जब आप कुर्ती बना लो उसके ऊपर ये पैच को स्टिच कर दो, या फिर आप कोई डिज़ाइनर कपड़ा लेकर भी वेलवेट के ऊपर स्टिच करके इस तरीके से पैटर्न बना सकते हो। एंड वेलवेट जो होता है ना, वो पहनने पे आपको काफ़ी स्लिम और काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है। अगर आप कहीं वेलवेट के कपड़े पहन के जाओ तो हर जगह सिर्फ आप ही आप दिखोगे, आई एम श्योर। ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कुर्ती मैंने स्टार्टिंग में भी पहनी थी, तो आपको बताया था मैंने। तो इसमें जो है, आप चाहो तो बहुत ज़्यादा फ्रिल बना सकते हो, बट आई थिंक वेलवेट के कपड़े में आप
कम से कम फ्रिल बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आई लव दिस कुर्ती एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।